ऑनलाइन शैक्षणिक मंच पर आपका बहुत बहुत आभार। हिंदी विषय के अंतर्गत कल हम अलंकार का अध्ययन कर रहे थे, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। कल आप अलंकार का सामान्य परिचय, अलंकार के भेद और उसके उपभेदों पर भी चर्चा कर रहे थे। अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद बताए गए, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। शब्द अलंकार के आपके तीन भेद बताए गए थे, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान और संदेह। तो कल हम शब्द अलंकार की शुरुआत किए थे, उसका पहला भेद बताया गया था अनुप्रास अलंकार। आपको बताया गया था वर्णों की आवृत्ति ही अनुप्रास है, यानी जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। आपको उदाहरण बताए गए थे तरण, तनुजा, तर, तमाल, तरगुर, बहुछाए, इसमें तावर्ण की आवृत्ति हुई है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनि और अंबर तल में, इसमें चावर्ण की आवृत्ति थी। और अगला आपको बताया गया था बिहारी लाल का, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नयनन ही शोभात, इसमें तावर्ण की आवृत्ति हुई। तो आज शब्द अलंकार के ही अंतर्गत अगले अलंकार को देखते हैं, जिसका नाम है यमक। यमक अलंकार, यमक अलंकार आप पढ़ रहे हैं। यमक का अर्थ है, यमक का अर्थ है युग्म या जोड़ा, पेयर। यमक का क्या अर्थ है? यमक का अर्थ युग्म या जोड़ा है। कहने का मतलब, इसकी परिभाषा आप जानेंगे पहले। परिभाषा जानेंगे कि जहाँ पर कोई शब्द या शब्द समूह एक से अधिक बार आए तथा उसके अर्थ भी भिन्न भिन्न हों, उसके अर्थ भी भिन्न भिन्न हों, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। वहाँ पर यमक अलंकार होता है। आपको बताया गया यमक का अर्थ युग में आ जोड़ा है, और जहाँ पर कोई शब्द या शब्द समूह एक से अधिक बार आए तथा उसके अर्थ भिन्न हों, अलग हों, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर आप देखें, उदाहरण में जैसे आप देखें, आप उदाहरण में जैसे काली घटा का घमंड घटा नभ मंडल तारक बिंद खिले। काली घटा का घमंड घटा नभ मंडल तारक बिंद खिले। तो आप देख रहे हैं घटा शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है। तो पहले घटा का अर्थ बादल की काली काली घटाओं से है, और दूसरी घटा का अर्थ घटने या कम होने से है। यानी जब वर्षा ऋतु बीत जाती है, बीतने को होती है, तो कहते हैं कि काले काले बादलों की जो घटाएं थी उनका घमंड अब घट गया है, कम हो गया है, और आकाशमंडल
तारों के समूह से खिल उठा है। तो आप देखें यमक अलंकार में जहाँ पर कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आता है तथा उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो आपने देखा कि इसमें इस उदाहरण में घटा शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है, एक घटा का मतलब बादल की घटाओं से है और दूसरा घटा का अर्थ घटने या कम होने से है। और देखें आप जैसे अगला है तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती है, तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती है। आप देखें बेर बेर शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है, तो कहते हैं तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती है। तो बेर का मतलब एक बेर का मतलब फल से है और एक बेर का मतलब बार से है। कहते हैं कि पहले वह तीन बार खाती थी, तीन बार खाती थी, लेकिन अब तीन बेर खाती है। अब ऐसी स्थिति हो गई है कि वह बेर के तीन फल को खा करके अपना गुजारा करती है। तो आप देखें बेर शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है, तो एक बेर का तात्पर्य क्रमागत रूप से खाने से है और एक बेर का तात्पर्य बेर फल से है। तो इस तरह से यमक अलंकार में कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त होता है तथा उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। या और आप देख सकते हैं जैसे ऊधव ऊधव जोग जोग हम नहीं, ऊधव जोग जोग हम नहीं। आप देखें जोग जोग शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है। उद्धव जब गोपिकाओं को समझा रहे थे, गोपिकाओं ने कहा हे उद्धव हम लोग जोग जोग के योग नहीं हैं। यहाँ उद्धव जोग 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 का मतलब योग साधना है, जोग का मतलब क्या है योग साधना। यहाँ जोग का मतलब योग्य या सामर्थ्य से है, सामर्थ्य से है। तो गोपिकाओं ने कहा उद्धव जोग जोग हम नहीं, हे उद्धव हम लोग योग साधना के योग्य नहीं हैं। तो आपने देखा परिभाषा थी कोई शब्द या शब्द समूह एक से अधिक बार आएगा तो था उसके अर्थ भी अलग अलग होंगे। तो आपने देखा जोग जोग शब्द दो बार आया है, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। पुनः देखते हैं यमक अलंकार में यमक का अर्थ युग्म या जोड़ा है। जहाँ पर कोई शब्द या शब्द समूह एक से अधिक बार आए तथा उसके अर्थ भी अलग अलग हो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा शब्द दो बार आया है, एक का मतलब बादल की घटाओं से है, दूसरे घटा का तात्पर्य कम होने से है। तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती है, खाने का तात्पर्य है उसके खाने की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। पहले वह अपने पेट को भरने के लिए तीन बार खाती थी, लेकिन आज तीन बेर खा करके ही अपने जीवन का गुजारा करती है। तो बेर बेर सब दो बार आया लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग है। इस तरह से उद्धव जोग जोग हम नहीं, हे उद्धव हम लोग योग साधना के योग्य नहीं हैं या योग साधना करने की सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है। तो जोग जोग शब्द दो बार आया है, एक जोग का अर्थ योग साधना से है और योग योग का अर्थ सामर्थ्य या शक्ति से है। तो आपने देखा शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त हुआ लेकिन उसके अर्थ जो हैं अलग अलग हो गए। अगला अलंकार देखें, एक अलंकार और देखेंगे आप आज के क्लास में। श्लेष, श्लेष अलंकार देखें। श्लेष का शाब्दिक अर्थ है श्लिष्ट, श्लेष का शाब्दिक अर्थ है श्लिष्ट या चिपका हुआ। देखें श्लेष अलंकार में श्लेष का अर्थ हुआ श्लिष्ट या चिपका हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर कोई भी शब्द एक ही बार प्रयुक्त होगा लेकिन उसमें एक से अधिक अर्थ आएंगे। श्लेष का तात्पर्य क्या है
जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे श्लिष्ट कहते हैं। आपको बताया गया श्लेष अलंकार में श्लेष का तात्पर्य श्लिष्ट या चिपका हुआ होने से है। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे श्लिष्ट कहते हैं। कहने का तात्पर्य है जहां पर कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो तथा उसके एक से अधिक अर्थ हों वहां पर श्लेष अलंकार होता है। होता है जैसे उदाहरण आपने बराबर सुना होगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो आप देखें श्लेष अलंकार में जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उसे हम श्लिष्ट कहते हैं। आपको बताया गया श्लेष का मतलब श्लिष्ट या चिपका हुआ। तो श्लिष्ट का मतलब समझ लें जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे श्लिष्ट कहते हैं।